उजाले उनकी यादों के। मौसिकी की खूबसूरत परवाज तब मुकम्मल होती है जब कोई आवाज दिलों को छू कर गुजरती है। ऐसी रूहानी आवाज की मलिका मुबारक बेगम की आवाज के नूर से हम सब वाकिफ हैं। श्रोताओं, आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मशहूर पार्श्व गायिका मुबारक बेगम से यूनुस खान की बातचीत। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, कभी मुबारक जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती में बुलाने का। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुबारक बेगम को जमाना हमेशा आपा कहता रहा है, इसलिए इस पूरे प्रोग्राम में मैं उन्हें आपा ही कहूँगा और आपा कहकर ही सवाल पूछूंगा। तो आपा, अपने बचपन के बारे में बताइए, वो नवलगढ़ वाली यादें हमारे साथ बांटिए। नवलगढ़ वाली यादें तो बाद में हुई, पहले हम झुंझुनू में थे। जी, आपकी पैदाइश कहाँ की है? पैदाइश झुंझुनू की है। यानी आपकी ननिहाल वहाँ थी? हाँ, हमारी जो माँ थी वो वहीं रहती थी झुंझुनू में। तो वहाँ पर एक सैयद साहब थे और बाजू में एक दरगाह भी थी, मतलब आते जाते रहते थे, वैसे तो हयात थे वो। तो उस वक्त हमारी जो माँ थी, चांद बीबी नाम था उनका, उनके बच्चा होने वाला था। तो बाद में जब वो हुआ तो वो कहने लगे, चांदा के हुए है, यानी क्या हुआ है? तो बोलो लड़की हुई है, तो लाओ बोलो मेरे पास उसको। मेरे को गोद में लेके कहने लगा, इसका नाम मुबारक रखना। और उसके बाद जनाब बेगम, तो आपको पता है फिल्म वालों ने बेगम लगा दिया, वरना नाम मेरा उन्होंने शुरू से रखा जी, और बहुत अच्छा। इस बात पर मुझे एक गाना याद आया जो आंधी और तूफान फिल्म का है, शायद आपको याद हो, चांद गगन। एक लोरी थी, चांद गगन में चमके चंदा से घर मेरा। हाँ, है ना, लोरी है वो, लोरी है। तो अब आपकी पैदाइश की बात हुई है तो आप ही की गई एक लोरी सुन ली जाइए, आंधी और तूफान फिल्म की। चांद गगन में एक है, चमके दो चंदा से घर मेरा। चांद गगन में एक है, चमके दो चंदा से घर मेरा। तू ही हो मेरे दिल के दो टुकड़े, तुम ही हो मेरा सहारा। चंद गगन में एक है, चमके दो चंदा से घर।
दे दूंगी तुझको सोने की बिंदिया अखियों में निकी हजार निंदिया दे दूंगी तुझको सोने की बिंदिया राम लखन से कोई ना प्यारा ला चंदा से घर प्यार तुम्ही हो ममता तुम्ही हो मेरे तो दिल की दुनिया तुम्ही हो प्यार तुम्ही हो ममता तुम्ही हो मेरे तो दिल की दुनिया तुम्ही हो चमके तुम्हारा हर दम सितारा ला 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 ला, ला। आपने बताया कि आपकी पैदाइश झुंझुनू की है अपने बचपन के बारे में बताइए किस तरह के खेल होते थे कितनी शरारती थी आप भाई बहन कितने थे भाई बहन हमारे पांच आप पांच सबसे बड़ी थी मैं सबसे बड़ी थी उसके बाद फिर हम मतलब नवलगढ़ तो शेखावाटी के हैं हम जो भरत व्यास जी के व्यास जहाँ शेखावाटी के जी गीतकार भरत व्यास जिन्होंने एक से एक गाने लिखे हैं अरे क्या बात है उसके बाद हम नवलगढ़ में तो हमारा वो था बहुत बड़ा मूलियों का खेत था बाजू में एक सुंदर मामू रहा करते थे सुंदर मामू रहते थे और उनकी माँ भी रहती थी तो आना जाना था तो वो पूजा करते थे तो मैंने क्या किया बाड़ होती है वो बाउंड्री तो बाड़ कांटों की लगा देते हैं तो वहाँ पर भी एक पत्थर रखे मैं और हाथ जोड़ के बैठ जाती थी वो पूजा करते थे मेरे को मालूम तो था ही नहीं खैर उसके बाद फिर हम पीर साहब के मुरीद हुए पीर साहब बदाइयों के तो मैंने कहा बाबा मैं तो पूजा कर दी थी बोला नहीं बेटा तुमको बचपन से इबादत का शौक था लेकिन तुमको मालूम नहीं था कि कैसे क्या करना चाहिए इसलिए बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया किस तरह की खेल हुआ करते थे और पढ़ाई के लिए आपको कहाँ भेजा गया था बच्चों किसने पढ़ने दिया आपने ये राजस्थान में तो क्या छोरा ने पढ़ा होगा तो लिख कर भाग जाएगी घर से ऐसा मानते हैं कि लड़की हाँ, को पढ़ाएंगे तो वो घर से भाग जाएगी घर से भाग जाएंगी पढ़ाया कहाँ उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया खाली तीन चार पांच चौपड़ियां पढ़ी वो भी अहमदाबाद बड़ौदा आके ताकि वो गाना दूसरे से लिखवाएं और हम पढ़ लें बाकी राजस्थान में रहते हुए पढ़ाई नहीं नाना कोई पढ़ाई काय की अपने नाना दादा के बारे में बताइए वो किस तरह के लोग थे किस तरह का माहौल था नाना तो हमारे वो थे मस्जिद में अजान देते थे और वो मतलब तावीज वगैरह भी बनाते थे वैसे वहाँ से हम जब आए बड़ौदा मतलब राजस्थान से फिर आप लोग बड़ौदा चले आए हाँ अहमदाबाद आए पहले तो अहमदाबाद में हमारे मतलब वहाँ दादा ही हुए ना वो हमारी तो वहाँ पर एक छोटा सा होटल था छोटी जगह और छोटा सा एक पतीला जिसमें दूध रहता था तो मैं भी खेलती थी अपने छोटे बर्तन लाके उसमें दूध बना लेना ये करना वो करना एक दफा क्या हुआ भैया कि जबरदस्त माता निकली तो खैर वो अच्छे हो गए हम तो वहाँ एक हमारा भाई पैदा हुआ था बड़ा खूबसूरत उसका नाम शब्बीर था तो वो साइकिल चलाया करता था साइकिल चलाता था तो वो कहता था बाकी मैं तेरे को बैठने नहीं दूंगा बाकी शॉर्ट फॉर्म में मुबारकी को बाकी मैं नहीं बैठने दूंगा तेरे को मैंने कहा अच्छा भाई मत बैठने दे फिर इतना खूबसूरत सब भाइयों में बहनों में उसके बाद उसको बहुत जबरदस्त बीमारी हो गई हाँ बीमारी हो गई कान के पास फिर जयपुर लाए उसको जयपुर तो वहाँ वो एक्सपायर हो गया वो और मैं इतनी सीधी कि बाजू में मेरे को सुला रखा बाजू में मुझे नहीं पता कि मरना जीना क्या होता है मैंने बोला मेरे को खाना दो भाई मुझे पता ही नहीं ना मैं तो बिल्कुल सीधी थी शुरू से ही सीधी थी और आखिर तक सीधी रही इसके वजह से काम भी कम मिला और वो सब कुछ सीधेपन में ही खो दिया उसकी बेवक्त मौत हो गई आपने हाँ बेवक्त छोटा था और भाइयों से खूबसूरत था वो घर में मायूसी छा गई होगी हाँ
दूसरे भाई तो अभी तक हैं, लेकिन उनसे सबसे खूबसूरत था। तो आपको स्कूल पढ़ने भेजा नहीं गया, लेकिन भाई पढ़ने के लिए गए? हाँ, भाइयों को तो हमने पढ़ाया, अपने रिकॉर्डिंग कर करके पढ़ाया, और उसमें कई फेल भी हो गए, शादियां भी हमने की उनकी। और हमारे ये खंडेला करके एक चौकड़ी खंडेला है, तो वहाँ पर हिंदवाई तरीके से वो खाना पकता था, घर के बाहर सब बनाने वाले बाहर ही खाना, मिठाई विठाई बाहर बनती रहती थी घर के बाहर ही, और अंदर वो केले के पत्ते जो होते हैं ना, वो ऐसे बिछा देते पत्तल के ऊपर ही खाना देते थे सबको। उसके बाद निकाह करवाया तो मुझसे कहने लगे, चलो वहाँ जाके पुलाव पकाया, निकाह करवाया। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगी, रात भर मेरे से जागा नहीं जागा, तुम्हारे जाओ, कुछ भी करो, मैं नहीं गई। वहाँ उनका निकाह होका हो गया, सब कुछ हुआ। आप बचपन की बात फिर से करते हैं, तो गाने का शौक कब से शुरू हुआ था आपको? क्या उम्र रही होगी उस वक्त जब आप गाती थी? गाने का शौक तो मुझे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं फिल्में देखना चाहती थी। तो अहमदाबाद में हमारे बड़े बाबा और बाप जो थे लारी चलाते, फ्रूट बेचते थे। अच्छा, फलों का कारोबार था? फलों का, वो भी लारी में, जैसे आज यहाँ रस्ते में। तो शाम को उनको फुर्सत मिलती थी तो कहते मैं जरा पिक्चर में देख लिया। ये आपके अब्बा की बात कर रही हैं या आप ताया की बात कर रही हैं? ताया की। तो मैंने बोलो मैं भी चलूं, अरे क्या चलेगी तू, क्या करेगी? नहीं नहीं बाबा मैं जाऊंगी। अच्छा, ले गए भाई वहाँ, जब तक उजाला रहा ऐड देखती रही, जब अंधेरा हो गया तो सो गई मैं। तो आपने फिल्म देखी नहीं उस वक्त? पहले पहले गई थी, फिर वो एक दफा गए, मैंने कहा मुझे ले चलो। अच्छा, वहाँ जाके सो जाती है, लिखिया खाक ले चलूं। लेकिन उसके बाद फिर वो सुरैया आई, सुरैया गा रही थी, तो मेरे दिल में भी ऐसा उठा। कौन कि सी मैं पिक्चर थी? पिक्चर तो मुझे याद नहीं थी, बहुत पुरानी। और गाना कौन सा था? एक काम करते हैं, सुरैया का एक गाना सुनते हैं, धड़कते दिल की तमन्ना हो। मुझे करार नहीं, मुझे करार नहीं, जब से बेकरार हो तुम, जब से बेकरार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। गुजरी है वो बहार हो तुम, गुजरी है वो बहार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। गम के जिम्मेदार हो तुम, गम के जिम्मेदार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं, मुझे करार नहीं, जब से बेकरार हो तुम, जब
अब से बेकरार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना मेरा प्यार हो तुम। जब मैं गाने लगी तो हमारे अब्बा कहने लगे, बोलो ये तो अच्छा गुनगुना लेती है, सुर में गाती है। हाँ मतलब वो कहने लगे कि भाई ये तो गा लेती है, तो अब क्या करें। तो बोलो ऐसा करते हैं, अहमदाबाद ले चले, अहमदाबाद के बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से जाएंगे बम्बई, वहाँ आकाशवाणी है, वहाँ ऑडिशन देंगे उसको। अच्छा तब आपकी उम्र क्या रही होगी? बहुत छोटी, उसकी उम्र तो मुझे याद नहीं है। आप सिर्फ सुन सुन के आप सुरैया के गाने गाया करती थी बस? वो तो बहुत छोटी थी, इतनी पानी भरने जाती थी तो एक जंजीर डाल रखी थी मेरे गले में, तो बाद में आई मैं पानी वाने का घड़ा लेके, तो हमारे घर वाले बोलो जंजीर थी कहाँ गई, क्या मेरे को क्या मालूम क्या गई। तो वो कहने लगे वो हाजरा है ना, वो बेईमान उसने चुरा ली होगी, चुराई होगी। उसको बुला के पूछा क्यों, बोले इसकी जंजीर चुराई तूने, बोला हाँ। तो ऐसी सीधी कोई जंजीर चुरा ले कुछ भी कर ले। गले की चेन निकाल ली पता नहीं चला आपको? नहीं वो सीधी इतनी। तो अब वो जो सुरैया के गाने सुने तो मैं गाने लगी, अब्बा जी कहने लगे तो बिल्कुल गाने लगी, चलो थोड़ा बड़ौदा में इसको थोड़ा सा सिखाया जाए जी। मैंने सुना है आपके अब्बू तबला बजाया करते थे? हाँ वो तबला बजाते थे, के शागिर्द थे थिरकवा खान साहब के, अहमद जान थिरकवा। हाँ तो उस वक्त वो एक दफा रेडियो में इधर थिरकवा खान साहब, इधर आमिर खान, इधर रोशन आरा, तीनों गा रहे। अब वो कह रहे ये क्या कर रहे हो, तो थिरकवा खान साहब बोले क्या कर रहा हूँ, मुझे भी दुनिया सुन रही है ना, आखिर क्या बात है। वो दूसरे वो भी कहने लगे, अब अंदर वो जो इंटर करते हैं सब मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं माने। आखिर उन्होंने वो बंद करके कहा कि अरे भैया ये क्या है, तुम यही लड़ने लगे। तो बोले भाई क्या करें हम, रोशन आरा बेगम इतना अच्छा गाती थी। तो खैर वो तो मैंने अब्बा जी ने बोले चलो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी पे चलते हैं। आप लोग मुंबई आ गए? बम्बई आ गए। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में कहीं मोटर कहीं मिल मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में कहीं मोटर कहीं मिल मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नामो निशान, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा कहीं पत्ता कहीं चोरी कहीं रेस कहीं डाका कहीं फाका कहीं ठोकर कहीं ठेस। कहीं सट्टा कहीं पत्ता कहीं चोरी कहीं रेस कहीं डाका कहीं फाका कहीं ठोकर कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। एक चीज के है कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान।
करता है यहाँ का ये चलन, बुरा दुनिया वो है कहता ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन, दादागीर नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे ये है बॉम्बे ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है आसा जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। तो मुंबई में कहाँ रहे, किस तरह की दिक्कतें हुई? कहाँ रहे वो आकाशवाणी ने जगह दिलवा दी थी। अच्छा। हाँ वहीं, और इधर से हम जब निकले तो ऑडिशन दिया तो वो उन्होंने हमें पास कर लिया, गजलें उजले गवाई। और उस वक्त अपने ये जमाल सेन और गुलाम मियां वो ढोलक बजाया करते थे, एक तबला बजाते थे, गुलाम मोहम्मद साहब जो म्यूजिक डायरेक्टर, और ये जमाल सेन। फिर वो प्राइवेट गाने शुरू हो गए। अब जो गजलें जो सुनी तो रफी गजनवी साहब म्यूजिक डायरेक्टर जो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, उन्हें सुना जी, जो महबूब खान की फिल्में इसी बात से शुरू होती है ना। हाँ हाँ। और नहीं पन वो कैसे गाया हमने, यूँ बता रही हूँ जी। तो कहने लगे भाई एक नई लड़की आई हुई है, ये तो बहुत अच्छा गाती है। बोला अच्छा, ये तो बहुत अच्छा गाती है। तो गजलें गवाने के लिए उन्होंने मेरे को बुलाया था। कुछ याद है कौन सी गजलें गाई थी आपको? तो शायरी का माशाल्लाह बहुत शौक है आपा। और कोई नहीं साथ एक दिले दीवाना है, वो भी जालिम कभी अपना कभी बेगाना है। क्या बात है। और बहुत सारी जैसे खूब पर्दा है के चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। क्या बात है, ये गजलें आपने वहाँ गाई बहुत। और एक गजल जो थी हमको बहुत पसंद थी वो, मुझी में हुस्न का आलम मुझी में इश्क की दुनिया, मुझी में हुस्न का आलम मुझी में इश्क की दुनिया, निसार अपने पे हो जाऊं अगर 100 बार पैदा हूं। क्या बात है क्या बात। आप थोड़ा सा गुनगुनाइए ना मेरे लिए। रे रे हमारी याद आएगी, अंधेरे छारे होंगे कि बिजली को दे जाएगी, कभी तन्हाइयों में यूं। बिजली का
आप उस जमाने में गजलें गाया करती थी आकाशवाणी पर। हाँ। और म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे गुलाम मोहम्मद। हाँ। जमाल सेन। हाँ। और रफी गजनवी। हाँ। उसमें ताज अहमद भी होते थे, ताज अहमद खान। वो भी। कितने पैसे मिलते थे आकाशवाणी से तब? 50 रुपए। मेरे को 50 मिलते थे। मैंने कहा भाई ठीक है, तो शुरू गाने में तो और क्या, लेकिन वहाँ पर तो उन्होंने रफीक गजनवी ने सुना तो उन्होंने कहा कि भाई उसको गाना गवाते हैं, तो अच्छी है नई लड़की। अब जनाब आली उन्होंने मुझे बुलाया, रेसल करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन जब बहुत सारे मिशन आ गए, मिशन तो थे ही। हाँ। बहुत सारे गेस्ट आ गए देखने के लिए, तो यह तो साड़ी हालत खराब हो गई। मैंने कहा ले भाई कैसे गाऊं मैं, तो वो कहने लगे भाई टेक करो। क्या खाक टेक कर, वो तो गाय नहीं रही है। बोले जाने दो, दूसरा लो। दूसरा किया, उस पे भी हालत इस तरह से, 2-3 जगह रिजेक्ट होता। श्याम सुंदर, वो जो एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा। हाँ, उन्होंने भी गवाया, बसंती हॉल करके था भगवान दादा का, उन्होंने बुलाया, तो देख के कहने लगे बोले भाई इसको कुछ गाना वाना गवाओ। तो वो खैर वो गाते चले गए, फिर पिक्चरें मिलना शुरू हो गई। लेकिन आपा ऐसा क्यों होता था कि रिहर्सल में तो आप अच्छा गाती थी, लेकिन जब सब लोग जमा हो जाते थे तो आप घबरा जाती थी, इसकी वजह क्या लगती है आपको, क्या हुआ था? घबरा यूं जाती थी, बहुत सारे लोग सामने बैठ जाते थे। जी जी, अभी भी मेरा ये हाल है। तो अभी इस वक्त हम और आप बात करें, देखिए कितने सारे लोग बैठे हैं वहाँ पर। नहीं पर इतने सारे लोगों का कुछ नहीं, वो बहुत सारे लोग होते थे, तो वहाँ पर बस मेरी हालत ऐसी खराब हो जाती थी। अभी तलक भी ये हाल है, सामने मैं बैठी रहती हूँ, अब्बा जी कहने लगे क्या क्या गाती है ये चौपड़ी, ये तो मुंह के सामने कर लेती है। हम उसको बुक को चौपड़ी कहते थे। तो मैंने कहा अब्बा जी मेरे को डर लगता है, बहुत सारे लोग बैठे हुए। अपनी नजरें छिपा लेती थी। हाँ, अपना हाँ नजरें छुपा लेती, कहीं मैं देखे नहीं कोई। डरपोक थी शुरू से ही, डर लगता था। तो कैसा महसूस हो रहा था जब रफीक गजनवी ने स्टूडियो में आपसे गवाने को कहा और आप नहीं गा पाई? दूसरी जगह श्याम सुंदर के भी ऐसा ही हुआ। तो क्या हो, दिल में क्या लगता था? तकलीफ होती थी, दिल में क्या लगता था? डर लगता था, लेकिन गाना तो चाहती थी आप। हाँ गाना चाहती थी। उधर राजकुमारी जी भी आई, कहने लगे हाँ भाई तुम तो नए नए हो, गवाओगे हमको क्यों गवाओगे। तो वो कुछ नहीं बोले बेचारे, वो वहाँ पर भी नहीं गा सकी मैं। खैर साहब, तो ये जो गाने जिनको गाने के लिए आपको बुलाया गया था, वो दूसरों को मिलते चले गए फिर? नहीं मिलते चले नहीं गए, उसके बाद देखो मैं बताती हूँ। ये जब गाना नहीं हुआ तो फिर हमको इसका एहसास हुआ, घर आके मन का ये तो बहुत बुरा हुआ, हम तो गा चुके फिल्मों में, लेकिन कुदरत का ऐसा वो हुआ कि हमारे पीर साहब बदायूं के हैं जिनके हम मुरीद हो गए। उसके बाद से फिर एक पिक्चर थी याकूब साहब की, आई ये पिक्चर थी, तो उसमें उन्होंने मेरे को वहाँ पर बुलाया, कहने लगे तुम काम करो। अरे मैंने कहा क्या काम करूं? बोलो नहीं आप ये सीढ़ी पे चढ़ जाओ। याकूब साहब कहने लगे मसूद राणा जा रहे हैं, सलोचना चटर्जी हीरोइन है, मसूद राणा के ऊपर छिलका फेंक दो। सीढ़ी लेके खड़े हुए थे केले का छिलका याकूब साहब। मैंने कहा भैया मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे को तो डर लगता है। तो दरोगा जी कहने लगे काम कर लो फिल्म में। मैंने क्या क्या काम? खैर वो उधर वो शौकत दहलवी जिनको नाशाद भी कहते थे, दहलवी भी कहते थे, उधर वो रिहर्सल हो रही है, इधर हमें शूटिंग पे बुला रहे हैं। क्या तुम घड़ी घड़ी चली जाती हो? मैंने कहा मैं अपनी मर्जी के साथ जा रही हूँ भाई, वो बुला रहे हैं तो उधर जा रही हूँ, आप बुला रहे हैं तो इधर आ रही हूँ, आखिर है क्या भाई, क्यों मुझे डांट रहे हो तुम? तो खैर कुछ नहीं, फिर वो एक दफा ऐसा हुआ कि वो जब पीर साहब के मुरीद हो गए ना, उसके बाद से फिर गाना हमारा याकूब साहब के भाई थे, कौन थे वो, रिकॉर्डिंग्स थे, अलाउद्दीन साहब ये वरली का पेट्रोल पंप है, इसके सामने ट्रेन स्टूडियो था, वहाँ पे हमने पहला गाना गाया वो आओ चले वहाँ, किसने? लता जी ने और मैंने। कभी सुनेंगे ना चले चले सखी वहाँ। हाँ, लेकिन सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि उनकी भी आवाज़ अलग है, मेरी भी आवाज़, मेरी तो कैद थी। आप पहले ये गाना सुनते हैं।
उजाले उनकी यादों के, उजाले उनकी यादों के मशहूर पार्श्व गायिका मुबारक बेगम के साथ। ये जो फिल्म थी जो याकूब से मिली आपको, ये फिल्मी दुनिया में आपका पहला गाना बना? हाँ, पहला गाना। एक तो आपने बताया कि आपने वहाँ गाया, अलाउद्दीन उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, याकूब साहब के भाई थे। ये गाना आपने लता मंगेशकर के साथ गाया? हाँ, दोनों एक साथ खड़े होके गा रहे थे एक साथ। और तब तो लता इतनी कामयाब भी नहीं हुई थी? नहीं, 5-6 साल पहले आई थी। ये सन 1949 की बात है। ये तो मुझे नहीं मालूम जी, मैं तो पढ़ी लिखी तो हूँ, लेकिन इतना मुझे याद है 5-6 साल पहले ही लता जी, लेकिन शुरू शुरू उनके साथ गाने का मुझे मौका मिला। दोनों की आवाजें गाने में एकदम अलग लग रही थी, अलग दिख रही है, दिख रही है ना आपको? जी जी, जी। हाँ, और उसके बाद तो हम उनके साथ गाते ही चले गए। उस दौर में कुछ बातें कुछ ऐसा होता था? नहीं, कुछ नहीं, एक गाना था वो, हाय रे वो दिन क्यों नहीं आए, रिकॉर्डिंग पे मेनू का तरक के हम गए तो वो बहुत अच्छा गाती थी। मैंने कहा वो तो बहुत अच्छा, जरा सुना दीजिए, तो उन्होंने सुना दिया। अभी तो ये बताइए कि फिल्मी दुनिया में आपका गाना इस तरह से तो शुरू हो चुका था, ये जो फिल्म थी आइये, इसमें आपने एक सोलो गाना भी तो गाया था? हाँ, मोहे आने लगी अंगड़ाई। और वो किसने गाया था? जो मुकरे की बीवी बनती है ना मदर इंडिया में, झाड़ू मारती है उसको जी, शीला नायक नाम है, शीला नायक, उनके ऊपर फिल्माया गया था, उनके ऊपर। अच्छा अच्छा। हाँ, मोहे आने लगी अंगड़ाई। तो इस वक्त डर नहीं लगा था आपको गाते हुए जैसे पहले लग रहा था? नहीं, मैं मुरीद हो गई थी ना, हाँ, उस वक्त मुझे ताकत आ गई थी जी। उसके बाद कोई डर वर नहीं लगा, गाती चली गई। ये यूनुस, तुम एक बात पूछोगे नहीं,
लेकिन मैं जरूर बताऊंगी आपको। जी जी, मैंने 100 से ज्यादा 100, 150, 200 म्यूजिक डायरेक्टरों में कोई ऐसा नहीं बचा जिसके साथ नहीं गाया हो। नहीं गाया हो जी, लेकिन इन सब बातों का सीखा थोड़ी अपने 2-4 राग ताकि मैं उस पर रियाज कर लूँ। कौन थे आपा आपके गुरु? हमारे गुरु थे अब्दुल करीम खान साहब के भतीजे जी समद खान और रियाजुद्दीन खान, वो थे उन्होंने। तो ये बम्बई में गुरु थे आपके? हाँ, बम्बई में। मैंने कहा ये आप बता दो ताकि मैं ताने वाने करूँ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि फिल्मों के गाने के लिए ज्यादा गाऊंगी क्लासिकल तो आवाज लिस जाएगी, वो नरमाट नहीं रहती है। तो मैंने थोड़ा सा ही सीखा ताकि रियाज वाज कर लेती थी। आप मन कर रहे हैं कि ये आइए फिल्म का आपका गाना सुना जाए, सोलो जो है। ये तो हो गई फिल्मी दुनिया में आपकी शुरुआत जी, लेकिन एक चीज याद आई कि नरगिस की वो पहली फिल्म थी तकदीर, जिसके लिए आपको गाने का मौका दिया गया था। हाँ हाँ, वो बताइए जरा। आगा जाने कश्मीरी, वहाँ पर भी यही हाल हुआ ना, मैंने बताया लोग बैठे हुए वो देख के हालत खराब, डर जाती थी मैं। अब्बा किस तरह से आपको हौसला देते थे, क्योंकि उनकी बड़ी तमन्ना थी कि आप फिल्मों में गाएं। वो बड़ा हौसला देते थे, कई ऐसे गाने थे जो चलती लय में आते थे, लय चल रही है और उसमें कहीं से भी बोल पकड़ लो जी जी, तो वो सीखा हुआ पकड़ा नहीं जाता था, तो वो क्या करते थे कहीं भी आता तो अपने सम पे खुद ही हाथ डाल देते, वो मेरे को संभाल लेते थे अब्बा हमारे। उन्होंने बहुत हौसला दिया, उन्होंने ही एक तरह से आपका करियर बनवाया, आपको फिल्मी दुनिया में। लेकिन बाद में कहने लगा मैं फिल्मों में टेक बजाऊंगा। अच्छा। हाँ अम्मा, मैंने कहा क्या बदनामी हो जाएगी मेरी, काय के लिए टेक बजाओगे भाई, तुम रहने दो मत बजाओ, तो बोले अच्छी बात नहीं बजाता। अच्छा, उनको तबला बजाने का शौक बहुत। तबला बजाने का शौक उनसे सीखे हुए ना जी। अच्छा, एक रोशन आर्य जी का हम एक वाक्य सुने। सुनाइए। ऐसी क्लासिकल गाने वाली हमने तो नहीं सुनी, सबसे सब तक पता नहीं कौन से कहाँ तक आवाज, और एक जैसी तान और ऐसी तेज गाती थी। एक दफा क्या हुआ, सब लोग बैठे हुए थे और वो भी बैठी हुई थी, बुखार चढ़ा हुआ बहुत जबरदस्त, उनकी माँ कहने लगी चलो गाओ रियाज करो, वो कहने लगे आप ठीक तो हैं,
इतने बुखार में उनको गाने के लिए कह रहे, बोलो नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो भाई गाओ, रियाज करो। और वो रियाज कर रही है, गाना पड़ा उनको, इतना रियाज किया पसीना पसीना हो गई, वो बुखार भी उतर गया। क्या बोली, इतना रियाज करो यार, हमारे जैसे तो रियाज कर ही नहीं पाए उस वक्त भी नहीं। उस वक्त तो काफी गाने रिकॉर्डिंग हो जाते थे, उसमें रियाज हो जाता था। आप थोड़ा सा गुनगुनाइए ना मेरे लिए। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराई, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। दिल के तार मिला लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या गले लगा लो।
होती हो दर्द दवा बन जाता है, वरना तुम बिन सारा जीवन सुना बन कहलाता है, सुना बन कहलाता है। हर मंजिल पर मुझको संभालो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं के तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं के तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो। नाशाद साहब के बारे में बताइए, जिनके लिए आपने सबसे पहले गाया था आईए में, जिनको आप शौकत दहलवी भी कहते हैं लोग, वो किस तरह के इंसान थे और कितनी सहूलियत थी उनके लेकिन साथ गाने में? लेकिन वो बांद्रा में रहते थे, काबिल तो बहुत थे वो, लेकिन बस अपने कपड़े वपड़े का कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं। नक्शब के गाने लिखते थे जी जी नक्शब साहब के, तो हमारे साथ भी बस वो उस वक्त घड़ी घड़ी चली जाती है उधर, मैंने कहा क्या चली जाती हो, मैं अपने मर्जी से जाती हूँ, आप मुझे डांट रहे, मैंने कहा रहने दो मेरे को नहीं गाने का, खड़ी हो गई मैं, मैंने कहा मैं जाती हूँ। याकूब साहब आए, सारे के सारे आए, अरे भाई नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसे ही कह दिया होगा गाओ। लेकिन बाद में वो पाकिस्तान चले गए जी, नाशाद उनके नाम से रोड बन गया जी, और इतने पॉपुलर हुए कि पूछो ही मत। अच्छा मेरा जो आप बोलेंगे कि आप ऐसा गाती हैं वैसा गाती हैं, मेरा तो उसमें कुछ था ही नहीं, मुझे खुद बाज औकात ऐसा लगता है कि खुदाई गिफ्ट है ये जी जी, ना सीखा ना कुछ करा, हैप्पी गाया, अपने रोमांटिक गाया, डांस का गाया, कव्वालियां भी गाई, हर तरीके से गाने गाए मैंने। आप एक काम करते हैं, चूंकि नाशाद साहब का जिक्र चल रहा है तो उनकी एक बड़ी मशहूर फिल्म रही है बारादरी, उसका गाना सुनते हैं। तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। दर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, नजरों से मिली नजरें मैं हो गया दीवाना, अब दिल के बहलने की तदबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, तरती हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ, मुझसे तो मेरी बिगड़ी
तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता। आप क्या जाने मोहब्बत का तकाजा क्या है, हो बेमुरव्वत बेवफा बेगाना दिल आप हैं, बेमुरव्वत उनकी यादों की। आज इस कार्यक्रम में आपसे मुखातिब थी मशहूर पार्श्व गायिका मुबारक बेगम, आपसे बातचीत की यूनुस खान ने। चलते चलते आपको बता दें इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग दिया भावना सिंदल ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। कभी तन्हाइयों में हमारी उजाले उनकी यादों की।